आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, बहेड़ी के गांव गोटिया भट्टी में दो हाथियों ने एक किसान को कुचलकर जान से मार डाला। किसान अपने खेत में खाद डालने गया था, तभी अचानक दो जंगली हाथियों ने उसे घेर कर मार दिया। ग्रामीणों की भीड़ देख हाथी हुए फरार, युवक को अस्पताल ले जाते तक उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल मामला बहेड़ी के गांव गोटिया भट्टी का है, जहां एक किसान अपने खेत में गया था, अचानक हाथियों का झुंड आकर उसके पीछे लग गया। किसान ने अपनी जान बचाने को काफी प्रयास किया, परंतु नाकाम रहा और हाथियों के झुंड ने उसे घेर कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बरेली से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गोटिया गांव है, वहाँ पर रात में हाथी घुस आए थे, उन्होंने एक व्यक्ति को घायल कर दिया जिसकी मौत हो गई, लाखन सिंह नाम के व्यक्ति को। एक व्यक्ति और भी गंभीर रूप से घायल है, तो वन विभाग को सूचना दे दी गई है, हाथियों को पकड़वाया जाएगा, जो भी है कार्रवाई करेंगे। मामला ये है कि ये सुबह खेत पे गया था अपनी खाद बिखेरने के चक्कर में, गन्ने को देखने कि गन्ने में बारिश हुई है, कितना पानी है, खाद बिखर जाएगी नहीं बिखर जाएगी, तो खादों को बिखेरने के उद्देश्य में वो दो हाथियों का झुंड वहां था, बड़ा बड़ा दो हाथी थे। और वहां पर देखे तो इनने जब हाथी को देखा, गन्ने में दिखाया नहीं, ये थोड़ा पास पहुंच चुका था, फिर भी भागा, और भागने के पश्चात हाथियों ने इसको दौड़ के पकड़ लिया, और पकड़ के उलझ के गिर गया गन्ने में, तो हाथियों ने पटक मार दी, इसको दाब लिया और मार दिया। अब पुलिस को खबर की है? पुलिस को खबर कर दी, पुलिस हमारी 100 नंबर वहीं आ गई थी, 100 नंबर वहीं पहुंच गई थी, हमने फोन कर दिया पुलिस को, तो पुलिस हमारी वहीं पहुंच गई थी, 100 नंबर हमारे मौके पर, बल्कि पुलिस ही लाद के लाई है सरकारी हॉस्पिटल तक।